सत्संग में, शास्त्रों में, गुरुद्वारों में, मंदिर मस्जिदों में, गिरजाघरों में शब्द की बलिहारी है। शब्द सत्य हम तक पहुंचाने वाला शब्द। जो एक बार शब्द को धारण किया, पहन लिया, अपना लिया, शब्द को सत्य माना, तो सत्य को ग्रहण कर लिया, चाहे सांसारिक शब्द हो, भौतिक जीवन में, व्यवहार में, अथवा आध्यात्मिक परमार्थिक सत्य रूपी शब्द हो, तो बातें ध्यान देकर कहे और बातें ध्यान देकर सुने। शब्दों का जो लेना देना उसी से लेखा जोखा होगा आगे चल के। मन में जैसे विचार वैसे शब्द निकल रहे और वही आके गहरे होकर आचार में व्यक्त हो गए। तो निजी जीवन, दैनिक जीवन में शब्द का आदान प्रदान अथवा परमात्मा के साथ वार्तालाप, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, योगियों की जो ध्यान अवस्था में परमात्मा के साथ वार्तालाप शब्दों द्वारा, तो बीइंग विजिलेंट, गार्डेड, केयरफुल, एक शब्द लेप लगावे और एक करे घाव। शब्द शब्द सब कोय कहे, शब्द का करो विचार, कबीर जी कहते हैं। अर्थात विचार कर शब्द को उच्चार। केयरफुल दैट इट इज नॉट मिसअलाइंड विथ आवर वैल्यूज। जो शब्द दिए जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, उनको परख कर चश्मे के नीचे पकड़ के कि हाँ, ये मेरे विचारों से ही मिलते जुलते हैं शब्द, ये मैं सोच कुछ रही हूँ और शब्द अलग। तो शब्द शब्द को सब कोई कहे, शब्द का करो विचार। एक शब्द शीतल करे, एक शब्द दे जार। जार अर्थात फीवर, बुखार, गरम। एक शब्द से शांत शीतल सांत्वना मिले, मलम लगे, पट्टी, ट्रियाज। और एक शब्द से और आग में तेल फेंका जाए, अंधे का पुत्र अंधा, महाभारत हो गया। शब्द दिया दशरथ राजा ने कैकेयी को, वचन, दो वचन देता हूँ। उस शब्द का बड़ा भारी मोल चुकाना पड़ा, जान देकर भगवान से अलग होना पड़ा, क्योंकि एक शब्द से मांगा मेरा बेटा सिंहासन पर बैठे, दूसरे से मांगा और उसको वनवास हो, तो रामायण हो गया। राष्ट्रों में, देशों में, समाज में, परिवार में, धर्मों में, पति पत्नी में, बाप बेटे में, भाई भाई में, मित्रों में, सहेलियों में, या तो शब्द जोड़ के रखे या शब्द तोड़ के रहे। इसलिए कहा, एक शब्द शीतल करे, एक शब्द दे जार। एक शब्द सुख खानी है, एक शब्द दुख राशि।
एक शब्द बंधन कटे तो एक शब्द गल फांसी। कोई राजा के खिलाफ राजद्रोह के शब्द कहे, देश के नुकसानकारक शब्द भी कहे तो गले में फांसी हो सकती है। तो बस थोड़ा सावधान, थोड़ा ध्यान रहे, हल्का सा, हल्की सी नजर रहे। जैसे घर में कोई कुत्ता बिल्ली हो, मेहमान आए हो, मेहमान नवाजी चल रही है, इधर गैस पर कुछ बर्तन भी रखा है और कुत्ता बिल्ली भी है, तो जैसे थोड़ा ध्यान इधर कहीं जल तो नहीं रहा, कोई थोड़ा ध्यान उधर कहीं बिल्ली कुछ फाड़ तो नहीं रही, और मेहमान नवाजी भी चल रही, ऐसे थोड़ा ध्यान तो हो ही कि मेरे शब्दों से कोई फट तो नहीं जाएगा, मेरे शब्दों से कुछ जल तो नहीं जाएगा, थोड़ा हल्का सा ध्यान रहे। तो फिर हमारी जीवन का बादशाह मेहमान भगवान, उनकी खातिरदारी ठीक ठाक से हो, अन्यथा जिधर मेहमान आए उसकी गद्दियाँ फटी, घर जल पड़ा, ऐसा ना हो मेहमान को भाग जाना पड़े। हमारे हृदय में प्रमुख स्वामी आए हैं, कहीं उनको ये अनुभव न हो कि इस महल में तो आग लगी है अथवा ये महल तो कचरा कुंडी है। कूड़ा कचरा नहीं, साफ सुथरा, जलती आग नहीं, शीतल जल, शीतल पवन। उसके लिए एक इलाज, एक उपाय कहा संतों ने, नाम, फिर से शब्द, शब्द को शब्द से काटे। मरा 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 कहे तो भी राम 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 हो जाए। एक शब्द शीतल करे, एक शब्द करे घाव। हे राम मेरे राम, जग में साचा तेरा नाम। जैसे शीतल की, जैसे सूरज की गर्मी को तपते हुए तन को, समर हीट, जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष नवमी का शुभ दिन, परसों की रमा एकादशी आएगी, रमा 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 लक्ष्मी माता, रमा 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 न खानी हो, रमा एकादशी, इसके पश्चात दीपावली, दीपावली मनाए सुहानी, मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी। कौन सा? एक हाथ में श्रद्धा का जल, दूसरे हाथ में सबूरी का अमृत, और बाबा छिड़के जा रहे, जल खत्म नहीं हो रहा भक्तों पर, प्रेमियों पर,
श्रद्धा और सबूरी का अमृत जल होगा, धैर्य न खोए, होगा, जरूर होगा। श्रद्धा और सबूरी शीतल जल। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।